सबकी शाली मैं। नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। और चलिए देखते हैं प्रीवियस पार्ट। और मैं आज थोड़े स्टोरी लेट पोस्ट कर रही हूँ, हाँ, तो चलते हैं प्रीवियस पार्ट, देखते हैं और बताते हैं आगे क्या होता है। तो ऐसा होता है कि हमारी सिमरन जो होती हैं, वो जो इंसिडेंट्स हुआ रहता है उसके बारे में सोचते हुए अपने घर जाती हैं। इधर इनकी टांकशाही कर रही होती है प्रिया, और कहती हैं कि हाँ, भाभी के आने से तो बदल गई है, और मेरा फ्रेंड मेरा ना रहा। और ऐसा बोलती है और कहती है कि हम समझ गए समझ गए, ये ज़्यादा ना टांग खिंचाई मत कर, चल निकल यहाँ से। और हाँ, बहुत लेट हो गया, तो जल्दी जा घर। तो कहती है कि हाँ, हम जा रही हूँ। तो फिर ऐसा होता है कि उनका जो फ्रेंडशिप होती है बहुत स्ट्रांग होती है। तो चलो नेक्स्ट, अब आगे देखते हैं। भू जाने लगती हैं, तो फिर ये जाने लगते तो नीचे उतरते हुए सीढ़ियों से आ रही होती हैं। तो तब तक राहुल्स जो अंकल होते हैं उनका नज़र पड़ता है हमारी प्रिया पे। प्रिया से पूछते हैं कि क्या हुआ, सब ठीक है? तो कहती हैं कि इतना झाँकते हुए, तो कहती हैं हाँ अंकल, सब ठीक है, मेरी फ्रेंड भी खुश है और लाइफ में सब अच्छा अच्छा जा रहा है, तो मैं खुश क्यों ना हूँ। तो कहती हैं कि अच्छा, कहते हैं कि अच्छा ऐसा क्या? तो कहते हैं कि ऐसा क्या हो गया? तो वो बताती हैं कि जैसा ऐसा हुआ और ये सही चीज़ें हुई। तो हमारी जो सिमरन होती हैं उसके फेस पे नाराज़गी साफ दिख रही थी और उसको अच्छा नहीं लगा था यूँ। तो कहते हैं कि क्या सच? तो कहती हैं कि हाँ अंकल। तो कहते हैं कि ठीक है, जो भी हो बताते रहना मुझे। और हाँ, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी अनंतिका का ध्यान रखना, देख लेना कहीं कुछ गड़बड़ ना हो। तो कहते हैं कि कुछ गड़बड़ नहीं होगा अंकल, अब तो सब कुछ अच्छा ही होगा। और उधर जो होती हैं सिमरन अपने घर पे पहुंच जाती हैं, और घर पे पहुंचती हैं तो ऐसे ही ये डैड दरवाज़ा खोलते हैं, कहते हैं कि बेटा आज बहुत देर हो गई। तो कहती हैं कि नहीं डैड, वो थोड़ा सा आज कुछ काम ज़्यादा था इसलिए। तो कहते हैं कि ठीक है बेटा जाओ। और इनकी माँ जो दमयंती जी होती हैं वो कहती हैं कि पता नहीं दूसरों के पाप का मेरी बेटी कब तक प्रायश्चित करेगी। तो ऐसा उनको देखते हुए बोलती हैं, अपने हस्बैंड को बोलते हुए, मतलब देखते हुए रमेश कुमार जी को, और वो समझ जाते हैं कि किस पे टॉन्ट कर रही हैं। उधर प्रियंका भी होती हैं, तो प्रियंका माँ की बातें समझ जाती है और वहाँ से चली जाती हैं। इधर कहती हैं कि बेटा खाना खा लो सिमरन। तो कहती हैं कि माँ मैं खाना खा के आई हूँ। तो कहती हैं कि आज इतने दिनों में पहली बार तुम उनके घर खाना खा के आई हो। तो कहती है कि हाँ मॉम, अंकल बोल रहे थे तो मैंने खा लिया था। तो कहती है कि वो सरफरी लड़की, उसने कुछ किया तो नहीं, सब ठीक है ना बेटा? तो कहती है कि हाँ डैड, कुछ नहीं किया, सब ठीक है। तो खैर कुछ दिन बीत चुके होते हैं उनके, जख्मों पर मरहम लग चुका होता है, और धीरे धीरे लोग ये सब बातें भी भूलने लगे, मतलब उनकी माँ पापा प्रियंका सब लोग नॉर्मल होने लगे होते हैं। और फिर ऐसा होता है कि फिर इनके सुबह होती है, जाते हैं सोते हैं, सुबह होती है, फिर सुबह उठती हैं ये, नहाती धोती हैं, पूजा करती हैं और कहती है अपने माँ से कि माँ मैं जा रही हूँ और शाम तक आ जाऊँगी। तो कहती है कि बेटा ऐसा है कि शाम को थोड़ा जल्दी आना। तो कहती हैं कि क्यों मॉम? तो कहती हैं कि प्रियंका के इंगेजमेंट का डेट आ गया है तो उसकी तैयारी हो रही है, तो तुम्हें अपना ड्रेस सेलेक्ट करना था, तो मैंने डिज़ाइनर को बुलाया था, तो तुम्हें कैसे कपड़े चाहिए वो बता देना। तो कहती कि मॉम आपको जो अच्छा लगे वो आप मंगवा दीजिएगा। तो कहती हैं कि ठीक है। फिर वो जाती हैं, फिर वही रूटीन मतलब मेंटेन होता है। वो जाती हैं, दरवाज़ा खोलती हैं लक्ष्मी और घर के अंदर आती हैं।
तो उस दिन एक नई चीज़ उनको देखने को मिलती है कि आज बिना किसी उसके जगाए, बिना कुछ किसी टंटे घंटे के, हमारी जो आनंदिका होती हैं तैयार वेल ड्रेस होके नीचे आ चुकी होती हैं और लक्ष्मी से बोल रही होती है कि लक्ष्मी नाश्ता दो, मैं नहीं चाहती, मेरा फर्स्ट डे है आज ऑफिस में, मैं लेट हो जाऊँ। तो बड़ी एक्साइटेड होती है ऑफिस जाने को लेके, और ये चीज़ देख के सिमरन को अच्छा लगता है कि एटलीस्ट ये अपनी लाइफ में मूव ऑन कर रही है और अब आगे बढ़ रही है। बट वो तो वही हमारी अनंतिका किसी और हिसाब से कर रही होती हैं, और इधर सिमरन का हिसाब अलग चल रहा होता है। उनको इस बात की खुशी होती है और वो खुश होके जाती हैं अंकल के रूम में, राहुल अंकल के, और कहती हैं अंकल ये अनंतिका सुबह सुबह तैयार होके ऑफिस जा रही है, क्या बात है। तो कहती हैं कि आजकल मेरी बेटी बदल रही है और उसके पहनावे के साथ साथ उसकी चॉइस भी बदल रही है। तो कहती है कि क्या मतलब। तो कहती हैं कुछ कुछ नहीं बेटा, कुछ कुछ नहीं, बस मैं ऐसे ही बोल रहा था, तुम बताओ। तो कहते हैं कि अंकल एक्चुअली ऐसा है कि प्रियंका दी का इंगेजमेंट का डेट आ निकला है, तो उसमें मुझे शाम को थोड़ा जल्दी जाना होगा, तो कोई इशू तो नहीं है। तो कहते हैं नहीं। तो ऐसा बोलती हैं तो बोल के चली जाती हैं, और फिर प्रिया प्रिया आती हैं और दरवाज़ा खोलती है लक्ष्मी और प्रिया अंदर आती हैं। तो जैसे प्रिया को देखती हैं हमारे सिमरन का फेस चढ़ जाता है, और फिर बैठती हैं वो भी डाइनिंग टेबल पे और कहती हैं कि और क्या चल रहा है बड़ी। तो कहती हैं कि बस कुछ नहीं, ऑफिस के लिए तैयार हो रही हूँ और ऑफिस आ जाऊँगी। तो कहती हैं कि अच्छी बात है, ऑल द बेस्ट। तो कहती हैं थैंक यू थैंक यू, इस विशेष की मुझे खासकर बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। तो कहती हैं कि ओके चल ठीक है। तो फिर सिमरन को बोलती है और सिमरन कैसी हो। तो कहती हैं ये ठीक है। तो और अंकल तब तक आ जाते हैं तैयार होके वो भी, और कहते हैं कि सिमरन कल परसों नहीं आएगी 2 दिन। और ये सुन के बाद तो हमारी जो नंतिका होती हैं उनका खाना उनके गले में अटक जाता है और वो खांसने लगती हैं। तो कहती हैं कि क्यों। तो ये अचानक क्यों सुन के सिमरन हैरान रहती हैं कि ये ऐसा क्यों पूछ रही है। तो कहती हैं कि मेरा मतलब था कि क्या हुआ, मतलब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो कहती हैं कि नहीं, वो प्रियंका दी की शादी तय हो गई है, एंगेजमेंट है, तो कल सारी तैयारियां करानी है मम्मी के साथ और परसों एंगेजमेंट है। तो कहती हैं कि अच्छा। तो फिर उस पर प्रिया तुरंत बोल रही, क्या तुम हमें नहीं बुला रही तो अपने दी की शादी में। तो कहती हैं कि क्यों नहीं, ज़रूर सब इनवाइटेड हैं, अंकल आपको भी आना है। तो कहती हैं कि बेटा मैं कैसे, तुम्हारे डैड। तो कहती हैं कि डैड से मैं बात कर लूँगी, अंकल प्लीज़ आइएगा ज़रूर। तो वो तो जानबूझ के खी रहती हैं प्रिया की अनंतिका सिमरन से मिल सके और इनका प्लान कामयाब हो सके। तो फिर ऐसा होता है कि सब कुछ हो जाता है, सारी चीज़ें तय हो जाती हैं। तो इधर अनंतिका निकलने लगती हैं ऑफिस के लिए और वो सोचते हुए निकलती हैं कि यार 2 दिन में कैसे रहूँगी, सिमरन नहीं आएगी तो। और इधर प्रिया कहती हैं चल ठीक है मैं भी जाती हूँ, पर अनंतिका नहीं रहेगी तो मैं क्या करूँगी। तो कहती है कि तू यहीं पर रह, सिमरन को कंपनी देना। तो कहती है कि ठीक है, और बोल के चली जाती है अपने डैड के साथ। और वो ऑफिस पहुँचती है, ऑफिस में वाइट सूट, ब्लैक शूज़ और हाथ में एक ब्लैक बैग लैपटॉप का, और एकदम मतलब आँखों पे गॉगल्स और बालों को एकदम सेट किया हुआ, और ऐसे मतलब एकदम जो होता है ना लुक एकदम कुल होता है। और जैसे कि वो बोली होती है कि वो इंट्रोड्यूस कराते हैं अपने बेटी के तौर पे, नहीं एक एम्प्लॉय के तौर पे, और
कहती हैं कि ये सीखने के लिए आई हैं और ये हमारा काम सीखना चाहती हैं, तो सब उम्मीद है आप सब हेल्प करेंगे इनको इन चीज़ों को सीखने में। तो कहते हैं कि यस बॉस। तो वो अपनी सेक्रेटरी को बुलाते हैं और उनका चैम्बर दिखाते हैं और वो जाती हैं और पहले दिन काम सीखने लगती हैं और बहुत बिजी रहती हैं। और फिर इधर प्रिया, सिमरन और लक्ष्मी, ये तीन लोग पूरे घर में होते हैं। तो इधर सिमरन पूछने की कोशिश करती है कि प्रिया, तो कहती है हाँ सिमरन, तो कहती कि अनंतिका अचानक इतना क्यों बदल रही है और सारी चेंजेस, ये मतलब पूरा लुक चेंज, कपड़े चेंज, फिर अचानक इसका डिसीज़न ऑफिस जाने का, मुझे समझ नहीं आया। तो क्या कोई स्पेशल वन? तो कहती है कि क्यों, स्पेशल वन होगा तभी चेंजेस इतना आते हैं क्या? तो कहते कि हाँ, कि ऑब्वियसली जब इंसान खुद को इसलिए बदलने पे उतरता है, या तो किसी को इम्प्रेस करना हो या किसी के लिए, उसके लिए वो परफेक्ट बनना चाहता हो। तो कहती है कि तुम्हारी नज़र बड़ी पार्क की है। तो कहते हैं कि हाँ, बट तुम बताओ, मैं बात मत बदलो। तो कहती है कि हाँ, उसके लाइफ में कोई स्पेशल आ गया है और वो उसके लिए बदलना चाहती है। अनंतिका पहले जैसी नहीं रही, उसमें मैंने बहुत बदलाव देखे हैं सिमरन, और अचानक ही नहीं, वो धीरे धीरे बदलाव आ रहे थे। तो वक्त आने पे तुम्हें भी पता चल जाएगा वो कौन है। बट हमारी जो सिमरन होती हैं, उनके दिमाग में ये चीज़ बार बार रिंग करने लगती है, इसके लाइफ में कौन आ गया। बट फिर कहती कि मुझे क्यों फ़र्क पड़ रहा है कि इसके लाइफ में कौन आ गया। तो ऐसे ही इनके दिन ढलता है, लंच भिजवाती हैं और फिर शाम ढलती है। फिर शाम को राहुल अंकल और अनंति का घर आते हैं। तो कहते हैं कि बेटा कैसा रहा तुम्हारा आज का दिन? तो कहती हैं कि डैड, आज तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आया, बस मैंने समझने की कोशिश की है आज। यानी कोई नहीं, बहुत जल्दी समझ आ जाएगा। और ये चीज़ देख के कहती हैं कि सिमरन बोलती हैं कि आप दोनों जाएं और फ्रेश हो के आएँ, खाना खा लें। तो खाना बन चुका है। तो वो कहते हैं हाँ बस 5 मिनट। तो कहती हैं कि अंकल मैं थोड़ा जल्दी निकल रही हूँ, लक्ष्मी आपको खाना सर्व कर देगी। तो कहते हैं कि हाँ ठीक है। तो इधर सिमरन निकल रही होती हैं तो अपने ड्राइवर को बोलती हैं अनंतिका कि उसको छोड़ के आए। तो ये चीज़ पहली बार होता है कि अनंतिका अपने मुंह से बोली होती है ड्राइवर को कि सिमरन को सिमरन के घर छोड़ के आए। बट अच्छा लगता है, उनको खुशी होती है। और प्रिया जो होती हैं, जाके बोलती हैं अनंतिका को आज तुम्हारे बारे में सिमरन पूछ रही थी और बड़ी डिटेल में जानकारी ले रही थी। तो कहती हैं कि अच्छा, क्या क्या पूछा? तो सारी चीज़ें बताती हैं कि ये सब चीज़ें पूछ रही थी कि क्यों बदल रही है, क्या है, क्या रीज़न है, कौन है। तो मैंने भी ज़्यादा कुछ नहीं बताया, बस थोड़ा सा उसको जलाने के लिए थोड़ी सी चीज़ें इन्फॉर्मेशन दी हैं कि कम से कम दिल ही दिल जले। तो फिर ये सिमरन जो थी अपने घर पहुंचती हैं, इनके डैड कहते हैं कि बेटा आज जल्दी आ गई। तो कहते हैं कि हाँ डैड। तो कहते हैं डैड मुझे कुछ बात करनी थी। तो कहते हैं कि हाँ बेटा बोलो। तो डैड वो मैंने तो कहते हैं कि हाँ आगे बोलो, मैं सुन रहा हूँ ना। तो कहते हैं कि डैड मैंने राहुल अंकल को और अनंतिका प्रिया को इनवाइट किया है। तो कहते हैं क्या? तो कहते हैं कि हाँ। तो कहते हैं कि क्या ज़रूरत थी उनको इनवाइट करने की? तो उनकी माँ बोलती हैं आप शांत हो जाएं और जो चीज़ें बीत चुकी हैं उस पर मिट्टी डालें और भूल जाएं। और जब हमारी बेटी ने बोल मतलब बोल के आई, इनवाइट करके आई है, तो कुछ सोच के की होगी, वो बच्ची नहीं है। और हमें पिछली ज़िंदगी को भूल जाना ही बेहतर होगा, नहीं तो हमें नासूर की तरह चुभेगा। और उसमें अब अनंतिका की या राहुल शर्मा जी की, कोई भाई साहब की कोई गलती नहीं है, मैं आप प्लीज़ शांत हो जाएं। तो वहाँ से वो चले जाते हैं और कहते हैं कि जो करना है करो और
जाते हैं अपने कमरे में, बैठते हैं, तो फिर जाती हैं सिमरन और उनको समझाने की, अपनी बात समझाने की कोशिश करती हैं। कहते हैं कि डैड, बीती हुई चीज़ों को आप भूल जाएं प्लीज़, अब लोगों को अपने खुले बाहों से अपनाएं, तो चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं और ईजी भी। और कब तक हम ये सारी चीज़ों को सोच के बैठेंगे? पर बेटा, अनंत कहें तो कहते हैं, डैड मैं कब का भूल चुकी हूँ, अगर मुझे याद होता तो मैं उनके घर में नहीं जाती। और सिमरन आनंतिका को इतना मैं भूलने के लिए उसकी सेवा इतनी नहीं कर रही होती, तो प्लीज़ आप डैड समझे इस बात को, मैं भी भूल गई, आप भी भूल जाएं। तो कहते हैं कि ठीक है बेटा, जो तुम कहो। और ऐसे समझा के आ जाती हैं और कहते हैं कि चलिए खाना खाते हैं, भूख लगी है। तो कहते हैं आज तुमने खाना नहीं खाया? कहते हैं कि नहीं डैड, चलिए आज हम आपके साथ खाएंगे। तो सब प्रियंका और उनके डैड, दमयंती जी और सिमरन बैठते हैं, सब खाना खाते हैं साथ में, हंसते खेलते हैं। और ये रात बीत जाती है, फिर सुबह होती है, इनके घर पे चहल पहल तैयारियाँ। और इधर जो होती हैं अनंतिका, बेसब्र होके शाम ढलने का इंतज़ार कर रही होती हैं। और तो फिर जो प्रिय होती हैं आते हैं इनके घर और बोलती हैं कि आज हमें ऑफिस नहीं जाना। कहती हैं मन नहीं हो रहा यार, आज मैंने सिमरन को नहीं देखा तो ना ही उसकी आवाज़ सुनी। तो कहती हैं अच्छा आवाज़ सुननी है, ठीक है इतनी सी बात। तो फ़ोन लगाती हैं सिमरन को, कहती हैं कि सिमरन, कहती हैं कि प्रिया तुमने कॉल लगाया? तो कहती हैं कि हाँ। वो तुमने कैसे ड्रेस चूज़ की है, कोई थीम वीम रखा है क्या? तो कहती हैं कि नहीं नहीं कोई थीम नहीं है, नॉर्मल कपड़े हैं और जो तुम्हें अच्छे लगे पहन के आ सकती हो। तो कहती हैं कि ठीक है, मैं बस ये जानने के लिए फ़ोन किया था। तो वो फिर जैसे ही आवाज़ सुन लेती हैं सिमरन की और अनंतिका जाती हैं, तैयार होती हैं, नाश्ता करती हैं। और प्रिया को कहती हैं कि चलो तुमको मैं छोड़ते हुए जाऊंगी, तो वो उनको घर ड्रॉप करते हुए जाती हैं ऑफिस। और ऑफिस जाने के बाद वो बहुत सारा काम करती हैं कि ताकि उनका टाइम कट सके। और शाम ढले, शाम ढलते ही उनके डैड के साथ तो वो निकलती तो हैं मगर अलग अलग गाड़ियों में निकलते हैं। और फिर प्रिया उनके घर के, वो फ़ोन करती है प्रिया को कि प्रिया क्या आज तू रात मेरे घर पे रह सकती है क्या? तो कहती है क्यों नहीं। फिर वो अपने मॉम से पूछती हैं और फिर आती हैं, अनंतिका पिक करती हैं प्रिया को और साथ में जाते हैं। वो लोग डिनर करते हैं और फिर अपने कमरे में जाते हैं। कहते हैं यार एक एक दिन काटना मुश्किल हो रहा है, क्या करूँ मैं? तो कहती हैं कि डोंट वरी, वो दिन भी आएगा जब तो उससे बिना किसी रोक टोक के मिलेगी। तो कहती है क्या सच प्रिया? तो कहती है हाँ। जो प्रिया होती है अनंतिका के आँखों में ऐसा प्यार सिमरन के लिए देख के, उस जुनून तक देख के, वो बड़ी हैरत होती है कि जो लड़की किसी की कदर ना करती हो और किसी को अपना बनाने से एक एक दिन के लिए ना चूकती हो, वो आज किसी के प्यार में इस कदर बदल चुकी है। तो कहती हैं कि थैंक यू अनंतिका। तो कहते हैं क्यों? कहते कुछ नहीं बस यूँ है। तो सुबह होती हैं, सुबह सुबह उठती हैं, फ्रेश व्रेश होती हैं, प्रिया इधर सो रही होती हैं, प्रिया को रात भर के जगाती हैं, कहती हैं कि उठ, जब तक तब सोती रहती है, आज सिमरन के घर जाना है, बता मैं कौन सा ड्रेस पहनूँ या कोई सूट पहनूँ या कुछ शेरवानी टाइप का। तो कहती हैं कि नहीं तो कुछ मत पहन, शांति से लेट जा, ठीक है, मुझे भी सोने दो, खुद भी सो ले। तो कहती है कि नहीं नहीं उठना प्लीज़ 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 प्रिया उठ जा। तो ऐसे बोलती हैं और कहती हैं कि अच्छा ठीक है बताती हूँ। तो वो बोलती हैं कि काम कर, लाइट पिंक और वाइट शर्ट, उस पर टाई मत लगाना और मैचिंग शूज़, मतलब ब्लैक शूज, वॉच और ये सब चीज़ें बोल के कहती हैं कि बस ये चीज़ परफेक्ट है। बालों को सेट करती हैं, ऐसे दिन इंतज़ार में करते हैं, फिर लंच करती हैं, फिर तैयार होती हैं। फिर इधर जो हमारी सिमरन होती हैं वो भी काम में बिज़ी होती हैं, बिल्कुल उनके पास टाइम नहीं होता, घर पे तैयारियाँ, मेहमान आने जाने, फिर खाने पीने का, कैटरिंग का, डेकोरेशन का, सब कुछ जिम्मेदारी उन पर होती है। तो ये सारी चीज़ें अरेंज करा रही होती हैं इधर जो
हमारे यहाँ नंतिका होती हैं, वो उनके लिए तैयार हो रही होती हैं ड्रेस मैच करके, और तैयार होके कहती हैं कि प्रिया। तो जब प्रिया देखती हैं, अनंतिका को देखती रह जाती हैं उस सूट में, वाइट और पिंक सूट में, मतलब शर्ट वाइट और पिंक सूट में कमाल लग रही होती हैं, और कहती हैं कि वाह अनंतिका तू बहुत डैसिंग लग रही है। तो कहती है कि अब बता सिमरन फ्लैट हो जाएगी ना। तो कहती है अरे फ्लैट क्या सब कुछ हो जाएगी, मुझे तो लग रहा है कहीं उसी मंडप में एंगेजमेंट ना कर ले। तो कहती है कि तेरे मुंह में घी शक्कर, ऐसे तैयार होके, और कहती है कि तू भी तैयार हो जा। तो इधर हमारी जो प्रिया होती हैं, एक ग्रीन लाइट ग्रीन का वो पहनती हैं, गाउन पहनती हैं, और उस पर मैचिंग ब्रेसलेट, और गले में एक पतला सा चेन पहनती हैं, कानों में ईयर रिंग, बाल को पोनी करती हैं, और आगे से बालों को निकालते हुए, और होठों पर लिपस्टिक लाइट पिंक, और आँखों में काजल सब करने के बाद आती हैं हील पहन के, और कहती हैं कि नॉट बैड प्रिया, तू भी अच्छी लग रही है। उनके डैड जो आते हैं एक पजामा कुर्ते में आते हैं, और कहते हैं तब चले सब लोग तैयार हो गए हैं। तो इधर इधर अनंत सिमरन के घर पे सारी तैयारी हो चुकी होती है, सब लोग तैयार हो चुके होते हैं। उनकी माँ जो दमयंती जी होती हैं, वो कहती हैं बेटा तू भी जा जल्दी से तैयार हो जा। तो देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है स्टोरी में। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक यू, गुड नाइट।